नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएमसीसी पेपर लीक मामले में ईओयू ने किया बड़ा खुलासा। राज्य के कई जिलों में ठंड का अलर्ट जारी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर दो चरणों में होगा सर्वे का काम। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए SNT विभाग बना रहा यह रणनीति। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 में टीम के साथ उतर सकता है भारत। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएससी पेपर लीक मामले में ईओयू ने किया बड़ा खुलासा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक मामले पर आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू टीम के द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल ईओयू के टीम के द्वारा इस मामले से जुड़े एक और अपराधी की पटना से गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिनंदन कुमार सिंह बताया जा रहा है, जो दरभंगा जिला बहड़ी थाना के छोटापुर गांव का रहने वाला है। उससे मिली जानकारी के अनुसार ईओयू की टीम का कहना है कि परीक्षा खराब होने के कारण एग्जाम खत्म होने से पहले पेपर का फोटो खींचकर उसे लीक किया गया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात निकल कर यह सामने आई है कि भले ही पेपर लीक परीक्षा के बाद की गई हो, लेकिन मोबाइल की टाइमिंग में छेड़छाड़ कर उसे इस तरह दिखाया गया जैसे परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर लीक करवाया गया हो। राज्य के कई जिलों में ठंड का अलर्ट जारी। बिहार में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा राज्य के 30 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इन दिनों अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 10 डिग्री तक नीचे होने की संभावना है। वहीं अगर बिहार की राजधानी पटना की बात की जाए तो बीते दिन यहां का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम 15 डिग्री और रात का 7.7 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड हवाओं के प्रभाव से बिहार में दिन के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट होने की अनुमान है। वहीं राज्य में अभी 11 जनवरी तक घने कोहरे बने रहने के आसार हैं। होमगार्ड जवानों की ट्रेनिंग पर बोली DG शोभा अहोतकर। हाजीपुर में होमगार्ड आवासीय प्रशिक्षण सेंटर बनकर तैयार हो गया है। बता दें कि बीटा के बाद ये सबसे बड़ा आवासीय प्रशिक्षण सेंटर है। वहीं इसके निरीक्षण के लिए होमगार्ड और अग्निशमन विभाग की DG शोभा अहोतकर पहुंची, जहां उन्होंने निरीक्षण करने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यहां 250 से 300 होमगार्ड को ट्रेनिंग दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि फिलहाल हमने यहां 6500 होमगार्ड का नामांकन करवाया है। वहीं यहां भी ट्रेनिंग सेंटर बनने से हमारे लिए यह फायदा हुआ है कि अब हम और भी बड़ी संख्या में और भी बढ़िया से ट्रेनिंग करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आर्मी सूबेदार 22 लोगों को कांटेक्ट किया गया है। वहीं इन्हें मेकओवर करने के लिए टॉप ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अभी फिलहाल आर्मी पैटर्न में पटना के बीटा में ट्रेनिंग चल रही है। इन सभी की ट्रेनिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन तरीके से करवाई जाएंगी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर दो चरणों में होगा सर्वे का काम। बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत आज से यानी कि 7 जनवरी से हो गई है, जिसमें कुल 204 जातियों की जनगणना की जाएगी। बता दें कि बिहार में होने वाले इस जातिगत जनगणना के सर्वे का काम दो चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें से पहले चरण के कामों को 21 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मालूम हो कि पहले चरण के तहत आवासों की गिनती की जाएगी। वहीं अगर इसके दूसरे चरण की बात की जाए तो इसकी शुरुआत अप्रैल महीने में की जाएगी, जिसे पूरा करने का लक्ष्य 31 मई 2023 तक रखा गया है। हालांकि दूसरे चरण के दौरान आवासों में रहने वाले लोगों की गिनती की जाएगी। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में नहीं मिला कोरोना मरीज। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 47,361 कोरोना सैंपल जांच किए गए, जिसमें एक भी नए केस सामने नहीं आए हैं। वहीं वैसे लोग जो कोरोना से पीड़ित है उनका फिलहाल इलाज चल रहा है, जिसके बाद वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केस की कुल संख्या 9 हो गई है। बता दें कि बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 98.53% है। इस बात की जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ट्वीट शेयर कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अभी राज्य में जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका जीनोम सिक्वेंसिंग IGIMS में कराना सुनिश्चित कराया जा रहा है। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए SNT विभाग बना रहा यह रणनीति। SNT विभाग के द्वारा बीते दिन इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्यों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में आने वाले छात्रों की संख्या लगभग 40-60% है, जिसके बाद कॉलेजों में इतनी ज्यादा बच्चों की अनुपस्थिति को देखते हुए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के द्वारा विशेष रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक छात्र कॉलेज में आ सके। विभाग ने इसके लिए प्राचार्य को टास्क बांटा है और कहा है कि छात्रों को कॉलेज के लिए प्रेरित करें और साथ ही समय समय पर छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से शामिल करवाएं, और जो बच्चे ऐसे प्रशिक्षणों में भाग नहीं लेते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। वहीं अब कॉलेजों में शिक्षकों के द्वारा बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है और साथ ही बच्चों के अभिभावकों से भी बातचीत की जा रही है।
बीएड शिक्षकों के मानदेय में 20% की हुई बढ़ोतरी। बीते दिन शुक्रवार को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आरके सिंह की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की 17वीं सिंडिकेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अनुशंसाओं को स्वीकृति दी गई है। बता दें कि इस दौरान जिन अनुशंसाओं को स्वीकृति दी गई है उनमें 16वीं अभिषद, 14वीं वित्त समिति, 14वीं NNTPC एवं 11वीं अकादमिक परिषद की अनुशंसा शामिल है। इसके साथ ही PPU के कॉलेजों में बीएड के शिक्षक के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी को भी स्वीकृत किया गया है। मालूम हो कि पिछले काफी समय से विश्वविद्यालय में मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर मामला लंबित था। जातीय जनगणना के निरीक्षण पर निकले डीएम ने बताया प्लान। बिहार में जातीय जनगणना के निरीक्षण पर निकले राजधानी पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के द्वारा जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से जाति आधारित जनगणना को पूरा किया जाएगा और इसमें किन किन लोगों की भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान कहीं किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो उसकी देखरेख अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी देखेंगे और वहीं प्रखंड स्तर पर प्रखंड पदाधिकारियों के द्वारा देखा जाएगा और उसका समाधान निकाला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वैसे लोग जिनके पास घर नहीं है और वे अपनी आजीविका के लिए किसी भी स्थान पर रहते हैं उनके लिए दूसरे चरण में व्यवस्था की गई है, उनकी गणना दूसरे चरण में की जाएगी। वहीं जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं उनकी भी गणना दूसरे चरण में की जाएगी। बांका में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार के संगठन प्रभारी भक्त चरण दास के नेतृत्व में बांका के मंदार पर्वत से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। बता दें कि तीसरे दिन की इस यात्रा की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ध्वजारोहण करते हुए बांका के समुखिया मोड़ से शुरू हुई है। बता दें कि अब यात्रा 22 किलोमीटर की दूरी 25 गांवों से होकर तय करेगी। वहीं रात्रि विश्राम जिला की सीमा भागलपुर के रतनगंज में किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा सभी जगह लोगों को अपार समर्थन मिल रहा है। जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव का बयान। बिहार में आज से जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है। ऐसे में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज बिहार में एक ऐतिहासिक काम की शुरुआत हो रही है, इसके लिए हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। उन्होंने कहा कि इसकी मांग लालू यादव के द्वारा शुरू से ही की गई है। मनमोहन सिंह के शासनकाल में एक बार जातीय जनगणना हुआ ही, लेकिन बीजेपी के द्वारा इसके डेटा को भ्रष्ट बता दिया गया क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि जातिगत जनगणना हो। लेकिन आज से इसकी शुरुआत हो रही है और जब इससे सही डेटा हमारे सामने आएगा तो हम उसी हिसाब से बजट का स्वरूप तैयार करेंगे और लोगों के लिए कल्याणकारी योजना बनाएंगे। सुधाकर सिंह ने फिर जदयू पर कसा तंज। विधायक सुधाकर सिंह लगातार जदयू पर हमलावर है, जिससे न केवल जदयू की बल्कि राजद की भी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ जहां सुधाकर सिंह के द्वारा दिए गए बयान को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और शिवानंद तिवारी लगातार मांग कर रहे हैं कि सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर सुधाकर सिंह का कहना है कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है जो पार्टी लाइन से बाहर हो, ऐसे में कोई कार्रवाई का सवाल नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा और शिवानंद तिवारी क्या बोलेंगे, कौन नहीं जानता कि लालू यादव को जेल जवाने वालों में शिवानंद जी भी शामिल है। सुधाकर सिंह का कहना है कि वे वही बातें बोल रहे हैं जो उनकी पार्टी बोलते आई है। जातीय जनगणना की व्यवहारता पर बरसे भाजपा। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा इस पर सवाल उठाते हुए इसे जातीय उन्माद को बढ़ावा देने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये सोचने वाली बात है कि वर्ष 1931 के बाद आजाद भारत में किसी प्रकार की कोई जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई गई। राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और पंडित दीनदयाल अध्याय ने जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने की बात की है, लेकिन नीतीश कुमार जातीय जनगणना को करवा के जातीय उन्माद फैला रहे हैं। वह जाति के नाम पर बिहार को प्रदूषित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 32 साल से लालू यादव और नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की सत्ता है और इसके बावजूद भी राज्य में जातीय जनगणना जैसी पहल की गई है जिसका कोई औचित्य नहीं है। राम मंदिर को लेकर जगदानंद सिंह का बड़ा बयान। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा राम मंदिर के निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर का निर्माण नफरत की जमीन पर हो रहा है। हम हे राम में विश्वास करते हैं, न कि जय श्री राम में। हमारे हृदय में राम वास करते हैं, न कि आलिशान मंदिरों में। उन्होंने कहा कि राम को एक शानदार महल में कैद नहीं किया जा सकता। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि क्या राम सिर्फ मंदिरों में होंगे, वह क्या आप केवल मंदिरों के होंगे, देश के नहीं। हमारे हृदय से राम को छीनकर मंदिर में नहीं बैठाए जा सकते। आज भी राम न अयोध्या में है और न ही लंका में, बल्कि श्रीराम तो आज भी सबरी की कुटिया में मौजूद है। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 में इस टीम के साथ उतर सकता है भारत। भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी और तीसरा मुकाबला 7 जनवरी को यानी कि आज राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर चल रही हैं। ऐसे भी आज का यह मैच काफी अहम होने वाला है। हालांकि तीसरे T20 मैच में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन के साथ ऋतुराज गायकवाड़ को पारी को आगाज करते हुए देखा जा सकता है। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो तीसरे
टी20 मैच में सूर्य कुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या का खेलना तय माना जा रहा है। मैच फिनिशर का रोल स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल निभाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की तो युवा गेंदबाज उमरान मल्लिक, हर्षल पटेल और शिवम मावी तीसरे टी20 में नजर आ सकते हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विवेक कुमार, मृत्युंजय कुमार, नन्नू गोलू कुमार, मुन्ना राय, उमेश ऋषिदेव, अखिलेश यादव, कविता कुमारी, के सिन्हा, मोहम्मद नौशद राजा, कमलेश कुमार सहनी, अभिषेक राय, रंजीत यादव, मोहम्मद सकीर हुसैन, धर्मराज कुमार सिन्हा, मनोज कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज के आखिरी और तीसरे मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।